Bye. Rock-a-bye, don't mother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't mother cry. Angels surround you, just dry your eye. Assalamu alaikum guys, this is Ayan Khan and you're watching me on channel Ayan Khan. I'm back again with a brand new vlog. East UP, मतलब कि उत्तर प्रदेश का एक province, East. Hey, East को क्या हिंदी में बोलते हैं? East को. East UP के area में बहुत सारे districts हैं. उन्हीं districts में एक है सिद्धार्थ नगर. और उसी सिद्धार्थ नगर में बहुत सारी तहसीलें हैं, जिसमें से एक है बांसी. तो आज इंशाल्लाह मैं बांसी को एक्सप्लोर करूंगा और आपको दिखाऊंगा बांसी है कैसा. सो लेट्स सी. I'm gonna rock you, rock a bye, baby, don't you cry. So, फिलहाल मैं हूँ अभी बांसी के सबसे फेमस पुल पे और ये पुल जो है बहुत सारी सिटीज को इंटरकनेक्ट करने में बहुत ज्यादा लाभदायी है, मतलब कि बहुत ज्यादा काम आने वाला है. और ये पीछे नदी है, राप्ती नदी है, ये बहुत दूर तक है, मतलब शायद इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, गोरखपुर से कनेक्टेड है. ये पीछे जो है यहाँ से बांसी का स्टार्टिंग होता है. इधर पीछे से मेजर जो सिटीज़ है जैसे कि गोरखपुर, जहाँ पे अपने सीएम रहते हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी होम सिटी है. तो यहाँ से गोरखपुर खलीलाबाद के जो है रूट्स कनेक्टेड है इसी ब्रिज से. और फिर अगर पीछे के साइड देखेंगे तो पीछे के साइड से जो है नेपाल का बॉर्डर पड़ जाता है, कपिल वस्तु पड़ता है और सिद्धार्थ का जो डिस्ट्रिक्ट है बांसी का वो पड़ता है. दिस ब्रिज सर्व्स एज अ मीडिएटर फॉर द मेजर सिटीज एंड द मेजर लोकेशंस. सो अकॉर्डिंग टू राहुल ये जो पुल है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था. कब कब? 1955 के बाद. 1955 के बाद लगभग. अभी डिटेल पता नहीं सही या नहीं, नीचे लिखा हुआ है वहाँ पे. अच्छा नीचे, तो अभी नीचे अगर जाएंगे तो दिखाएंगे इंशाल्लाह. फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या 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 कैसे लिखा हुआ है, मगर ये अंग्रेज वाला इसमें कुछ नहीं आया हुआ है, तो हमारी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई. तक लिया, गाड़ी चलाओ, साले गलत इन्फॉर्मेशन दे दी. उधर भी है कुछ. अबे ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 1957. अरे राहुल की इन्फॉर्मेशन सही निकल गई. ये सो अभी हम जा रहे हैं और ये अंदर, अब बांसी के अंदर. My fire is starting. She just wants a life for her baby. ये तो लखनऊ वाला इंदिरा नगर, राजेंद्र नगर. ये नाम तो यार कॉपी किए गए हैं, ये अंग्रेजों ने नहीं किए. ये अंग्रेजों की नहीं है, ये हिंदुस्तानियों ने की है. सो अभी मेरे पीछे है बांसी का बस स्टॉप और यहाँ से जो है ज्यादातर जो है मेजर सिटीज जो है जैसे कि गोरखपुर, लखनऊ, बस्ती और कौन सी, कानपुर, इलाहाबाद जैसी बड़ी बड़ी जितनी सिटीज़ हैं वो सारी यहाँ से कनेक्ट हो जाती हैं. लखनऊ, हाँ वो मैंने बता दिया, लखनऊ, कानपुर, यहाँ से बस मिल जाती है उन सब के लिए. ये बांसी अभी जो है अंडर डेवलपिंग उसमें आता है, टाउन्स में आता है, पूरा डेवलप भी नहीं हुआ है और एकदम डेवलपिंग स्टेज में भी नहीं है, बट अंडर डेवलपिंग है. रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, हालांकि उसके लिए पास हो चुका है. कब पास हुआ था रेलवे स्टेशन का वो जो भाई, इसका अंदाजा तो नहीं. रेलवे स्टेशन नहीं है और जो बस है वो भी वैसे लगभग मिल जाती हैं, हर जगह के लिए बस मिल जाती है लगभग, जितने यहाँ के आसपास के एरिया से वो कवर हो जाते हैं, बल्कि दिल्ली के लिए भी मिल जाती हैं और थोड़ा और आगे जाएंगे तो मुंबई के लिए मिल जाते हैं प्राइवेट जो बसेस चलती हैं. जॉब वगैरह के लिए जिनका यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि वहाँ से जाकर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ पता नहीं कैसी रहेंगी, तो हैं फैसिलिटीज़ हैं, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. ये क्या है? तो ये अभी प्लाजा अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ खुलने वाला है शायद. अब तो काम सारा हो गया. अब बात करनी है अगर शॉपिंग की, तो जिन्हें शॉपिंग करने का बहुत शौक है, जिसे मतलब बहुत कपड़ों का शौक है या फिर भी कोई शॉपिंग, जनरली कोई भी तरह की शॉपिंग करने का बहुत शौक है, उनको बड़ी मायूसी उठानी पड़ेगी इस मामले में, क्योंकि बांसी में एक भी शॉपिंग मॉल नहीं है, ना कि कोई बहुत बड़ा गारमेंट स्टोर है, ना कोई कॉम्प्लेक्स है. ये ओजॉय खुला हुआ था मेरे पीछे, आप देख रहे हैं बिल्डिंग अमीर प्लाजा में. पहले एक दो साल तक जो है था ठीक ठाक क्रेज़ था इसका, मतलब उतना चला नहीं, जिसकी वजह से पहले पूरी बिल्डिंग में था बट बाद में सिमट कर आधा हो गया. इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसा दिखता है अंदर से. ओजॉय मॉल कुछ ऐसा है, खैर फिलहाल तो ताला पड़ा हुआ, मैंने आपको पहले बताया था. और ये कॉम्प्लेक्स नीचे से कुछ ऐसा है. सुबह
अंदर से ऐसा है कॉम्प्लेक्स, इधर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है ऊपर, और इधर जिम है, एक फर्जी फोटोशॉप फोटो, सलमान खान खड़ा है बीच में, इधर जनरल स्टोर वगैरह है। चलते हैं राहुल। नाउ इफ टॉकिंग अबाउट द रोड्स, यहाँ के जो रोड्स हैं ना, जो मेन हाईवे के रोड है वो काफ़ी अच्छे हैं, अंदर के तो उतने बेहतर नहीं है, टूटे फूटे खड्डे हैं, बट बाहर जो है नेशनल हाईवे है, काफ़ी बेहतरीन है रोड्स, क्योंकि अभी ये जल्दी रिसेंटली बने हुए हैं और ये ट्रैफिक लाइट्स वगैरह जो हैं अभी रिसेंटली लगे हुए हैं, ये बोर्डिंग वगैरह जो है। खैर अब आगे चलते हैं। पावर हाउस, पावर हाउस तो भूल गया, ये खतरनाक पावर हाउस। अच्छा मेरे पास कमेंट आया था कुछ कितने 6 महीने पहले, कोई भाई साहब थे, उनका ट्रांसफर हो रहा था यहाँ बासी में, तो वो मुझसे पूछ रहे थे भाई एक मिनट। हाँ तो मैं बात कर रहा था ना कि अभी कुछ 6-7 महीने पहले जब मैं अलीगढ़ में था ना, तो मेरे पुराने एक बांसी वाले वीडियो पे कमेंट आया था कि भाई मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है बांसी में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, मतलब करंट वगैरह आता है? तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, बांसी में पूरा का पूरा पावर पैक्ड पावर हाउस है, तो बिजली की आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत कटती है लाइट, कभी कभी तो 4-5 घंटे के लिए कट जाती है, कभी 6-7 घंटे के लिए, पावर हाउस होने के बावजूद। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप जेब में पावर बैंक लेकर घूम रहे हो तो आपके फ़ोन की बैटरी का जो बैकअप है वो बढ़ जाएगा, आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इन्वर्टर रखना पड़ेगा बांसी में। और कुछ बताना चाहोगे इस खतरनाक पावर हाउस के बारे में? चलता है ओ भाई ये रोस्ट करने के मूड में है। खैर आती है बिजली, वक्त पर आती है, सही है, बट कटती बहुत है, मगर यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी खतरनाक व्यू है, अब यहाँ से चलना पड़ेगा। ए तुम कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे कौन से लोग आते हैं? यहाँ पे साले कौन आएगा, सुट्टा बाज आएंगे। अच्छा अभी मैं जब बाहर से रोड से गुजर रहा था ना, मुझे एक चीज़ याद आई, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसकी बहुत कमी, मॉल वगैरह नहीं है, तो अभी शॉपर शॉप है ना, या शॉपर स्टॉप है, नहीं शॉपर शॉप है, स्टार्ट भी हो गया, यहाँ प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा जब ये कोविड का खत्म होता है सिचुएशन। ये बांसी का चौराहा है, पेट्रोलिंग के लिए पुलिस वाले बैठे रहते हैं लेफ्ट साइड में। ओ भाई ये क्या है इतनी बड़ी लाइट है, अभी हम जाएंगे अंदर। ये सबसे पुराना प्लाजा था, नहीं 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 सेकंड सबसे पुराना था, सिटी प्लाजा ये भी है, बट इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। अभी फ़िलहाल मैं हूँ बांसी के सबसे पुराने मस्जिद में, आई थिंक अभी ये बंद है, अस्सलाम वालेकुम, अभी बंद है ना, फंक्शन में नहीं है ना मस्जिद, अभी वही 5-5 लोग आ सकते हैं नमाज के लिए, बस उतना ही है ना। ये सबसे पुरानी मस्जिद है ना बांसी की लगभग? पुरानी है और भी है। इससे पुरानी भी है? नहीं सबसे पुरानी, सबसे पुरानी वही मैं बोल रहा था, ये सबसे पुरानी मस्जिद है, कोतवाली की मस्जिद नाम से फेमस है, इसको कौन सा मार्केट बोलते हैं? अबे नहीं भाई सराफा मार्केट नहीं है साले। ये चंगेरा पैलेस है, ये इसका नाम है भूजा भवन, पता कुछ तो लिखा हुआ है, पता नहीं जो भी है चंगेरा पैलेस, ये भी फिलहाल तो शादियों के काम आता है, यहाँ पे बुकिंग वगैरह होती है और अंदर कुछ रेंट पे दिया गया। एक मिनट मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये किवाड़, ये वॉचमैन बैठने के लिए रहते थे, वो जो जोधा अकबर में शूटिंग हुई थी, साले झूठ बताता है। Single mom, how you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see, I know that you really care. Cause any obstacle could come, you well prepared. So, date मैंने देखी है 1927 का बना हुआ, काफी पुराना है, तो अभी बस ये शादी हुई है। 1923? हाँ 1923 का बना हुआ, तो मैंने क्या बोला? 1927? अच्छा, अरे 4 ही साल तो पढ़ा था ना, गलती हो जाती है। अबे साले, ये आप बाहर से इसके कुछ शॉट्स देख सकते हैं, ये काफी अच्छा बना हुआ है, बस ये मेंटेन नहीं हुआ है बाहर से। ए जेपी कहाँ जा रहे हो? अभी ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एंट्रेंस है, जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे मुंडन हो गया या किसी और के लिए, तो यहाँ से आते हैं, बगल में से सामान ले सकते हैं। और आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, ऊपर कुछ लिखा हुआ है छोटे में, ये शायद कब का बना है, और ये रहे आप अंदर जाएंगे ऐसे, सामने पेड़ है, बगल में आप यहाँ पे जलाने के लिए है, इस तरह सा कुछ दिखता है, ये मार्बल्स लगे हैं, आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पे कुछ देर के लिए। और ये है बांसी का पुलिस स्टेशन, अंदर नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे शौक नहीं अंदर जाने का, गैस एजेंसी वाला रोड इसको बोलते हैं शायद, है ना, और SBI बैंक भी है बगल में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपना स्कूल जहाँ पे मैंने 10th तक पढ़ाई की हुई है, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, काफ़ी ऊँची सी बिल्डिंग है। जब हम लोग थे ना तो ये टीन का एक डब्बा था, बस टीन ऊपर लगा हुआ था, बट अभी फिलहाल ये बहुत बड़ा सा स्कूल बन चुका है। तो ये था मेरा स्कूल, खत्म।
पे अंग्रेज बसते थे, इससे ये होता है। पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये है जुबली गेट, ये 1935 में फाउंड हुआ था। यहाँ पे पीछे डेट वगैरह दिया हुआ है। ये राजा जयप्रताप सिंह का मतलब महल है, वो यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अंदर जाने का कोई मुझे स्कोप दिख नहीं रहा, वैसे भी गेट बंद है और मैं कभी गया भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं अंदर एंट्री देते हैं या नहीं, अल्लाह आलम। और कुछ बताना चाहोगे? 1935 में बना था, यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, खबर बता रहे हो तुम। सो गाइज, ये सबसे बड़ा वो तकिया कलाम है सारे व्लॉगर्स का। सो गाइज, व्लॉग्स खत्म करने का, नहीं व्लॉग्स नहीं, एक ही व्लॉग है, व्लॉग खत्म करने का वक्त आ गया गाइज। हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, तो मैं लगता है कुछ बचा रह गया है, देखा जाएगा अगली बार। प्योर व्लॉगर वाले व्लॉगिंग की जाएगी। सो गाइस, ये एक हमारे तरफ से एक अटेम्प्ट था। हाँ। अब ये अटेम्प्ट अच्छा है या खराब पता नहीं, अल्लाह आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है गाइज, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है गाइज, प्लीज भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दुश्मन समझ कर ही सब्सक्राइब मार दो। सो गाइज, यहीं पर व्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बांसी वालों के पास पहुँचाएगा और अगल बगल भी सारी एरियाज में आप पहुँचाइएगा, फैलाइएगा। बिल्कुल करो। और नीचे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट्स जो की हैं, फलाना ढमकाना जो कुछ भी है। एक फैक्ट, क्विक फैक्ट बांसी के बारे में। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, बांसी की जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 41,000 थी, जिसमें से 19,000 का फीमेल का रेशियो था और 21,000 मेल का रेशियो था। इन केस यू नीडेड सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइक दैट, आई नीड टू स्टॉप दिस व्लॉग, क्विट माय यूट्यूब करियर। अस्सलाम वालेकुम।